हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि हम एयरटेल का सिम यूज करते हैं और उस एयरटेल के सिम में नेटवर्क प्रॉब्लम, कॉलिंग प्रॉब्लम या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम यदि कस्टमर केयर पर कॉल करके पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो कस्टमर केयर से हमें आंसर आता है कि आप एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाइए और वहाँ अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए, मतलब वहाँ पर छोड़ दीजिए और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम उस ऐप के थ्रू लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं आपकी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए हम बताएंगे हम कैसे कंप्लेन करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप पर। तो हमने इस ऐप को ओपन कर लिया, उसके बाद कॉर्नर पर मोर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस ओपन हो चुका है, उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट, इसे ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो चुका है, तो सबसे ऊपर दिखा रहा है टॉप क्वेरीज। तो आई एम अनेबल टू यूज़ इंटरनेट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट 3G 4G पैक, आई वॉन्ट टू नो अबाउट अवेलेबल पैक, हाउ टू चेक माई बैलेंस, आई एम अनेबल टू मेक और रिसीव कॉल। यदि आपसे इनसे आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इन पर क्लिक करके उसका सोल्यूशन यहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे हमें डेटा की प्रॉब्लम है डेटा पैक की, तो हम डेटा पर क्लिक कर सकते हैं। यदि हमें उन्हें चैट करना है या फिर वॉइस चैट करना है और अपनी रिपोर्ट या प्रॉब्लम उन्हें बतानी है, तो हम नीचे लेट्स चैट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंटरफेस ओपन हो चुका है, अब हम यहाँ पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या चैट कर सकते हैं एयरटेल वालों से और उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ मैसेज लिख सकते हैं हम, जैसे हमने मैसेज टाइप किया, उसके बाद इसे सेंड कर देंगे और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उस या जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो उसे रिजॉल्व कर देंगे। उसके अलावा यदि हम टेक्स्ट ऐड नहीं करना चाहते, यानी टाइप नहीं करना चाहते, तो हम माइक का यूज़ भी कर सकते हैं। कॉर्नर पर माइक दिया हुआ है और अपनी प्रॉब्लम को हम यहाँ छोड़ सकते। तो इस प्रकार हम एयरटेल या एयरटेल थैंक्स ऐप पर अपने सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं एयरटेल टीम से।